दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो को कैसे बनाते हैं, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में मिलने वाले है। और इस वीडियो को लगने वाला जो फाइल है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करना है, जिसका नाम है काइनमास्टर। काइनमास्टर ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पे क्लिक कर दीजिए और आपको जिस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि एक्सपोर्टिंग का रेजोल्यूशन चूज करना है, यहाँ से चूज कर लीजिएगा। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या फिर स्क्वायर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप को चूज करता हूँ, 16:9 वाला। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम पे चले जाना है और आपको जो फोटो यहाँ पे एड करना है उस फोल्डर में चले जाइए। उसके बाद फोटो को सेलेक्ट कर दीजिए, फिर आपका फोटो टाइमलाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फोटो को सेलेक्ट करके उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉपिंग पे चले जाइए और दोनों उंगलियों की मदद से फोटो को एडजस्ट कर दीजिए फुल स्क्रीन, एज अ फुल स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम रखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इक्वल पे और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो लेयर वाला वीडियो जो है 30 सेकंड्स का है, इसलिए आपको इस इमेज की सही इमेज के ड्यूरेशन को भी 30 सेकंड्स बनाना है। बाय डिफॉल्ट 6 सेकंड्स होगी, तो इसे यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो 2, 3, 4, 5 फोटो लगा सकते हो इसमें। मैं सैंपल के लिए एक ही फोटो लगाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से चले आइए। अभी आपको जाना है कलर फिल्टर में, फोटो को सेलेक्ट करके कलर फिल्टर में चले जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। फिर बैक चले आइए, फिर कलर एडजस्टमेंट में चले जाइए और इसे थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए एज अ डार्क, ठीक है। अब बैक चले आइए। अभी आपको लेयर में चले जाना है और मीडिया में चले जाके जो मैंने वीडियो की लिंक डाउन डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए दी है, उसे डाउनलोड कर दीजिए उस वीडियो को, और उस वीडियो को यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कर देना है स्टार्टिंग पॉइंट से। वीडियो को सेलेक्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इस वीडियो को आपको फुल स्क्रीन कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर दीजिए इस तरह से। अभी आपको चले जाना है ब्लेंडिंग में और ब्लेंडिंग में आपको चूज करना है ओवरले, ठीक है। और बैक चले आना है और कलर एडजस्टमेंट में चले जाना है आपको, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे इफेक्ट। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं हम एक बार। ये देखो 8 सेकंड्स का है, 13 सेकंड्स का है, या फिर थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं आप, आपको चाहे जितना वीडियो को हिसाब से, ठीक है। और आपका वीडियो रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हमें कमेंट में भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ वीडियो को ट्यूटोरियल्स चाहिए आपको, तो हमें कमेंट कर